नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, भूगोल। आज का हमारा टॉपिक है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में अगर हम बात करें विश्व भर में पेय पदार्थ की, तो पहला है सर्व प्रमुख पेय पदार्थ चाय, टी। चाय विश्व के अधिकतर लोगों द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला पौधा है। चाय में स्फूर्तिदायक थीन या टेनिक अम्ल नामक तत्व पाया जाता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है, कैमिलिया सिनेसिस नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है। उद्भव की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में चीन के चांग जियांग घाटी से माना गया है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक रखते हैं, जिस पर नियमित कटाई की जाती है। चाय के पौधे को लगाने के बाद समय समय पर काट छांट कर झाड़ीदार भी बना लिया जाता है। पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं और इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रख कर पैकिंग कर दी जाती है। चाय की मुख्य दो किस्में हैं, जिसमें प्रथम है असम प्रजाति की चाय। यह भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। इसकी पत्तियां लंबी और बड़ी होती हैं। दूसरी है चीनी प्रजाति, इसकी पत्तियां सामान्यतया छोटी होती हैं। चाय की व्यापारिक किस्मों की अगर बात की जाए तो पहला है काली चाय, ब्लैक टी। पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सूखते समय पानी का छिड़काव इसके ऊपर कर दिया जाता है। गर्मी व नमी के कारण पत्तियाँ किण्वित होने से हल्की सी सड़न देने लगती हैं। इनके सूखने पर ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। सामान्यतः यह प्रक्रिया भारत और श्रीलंका में देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में चाय इसी रूप में ज़्यादातर पी जाती है। हमारे रोज़ाना के कप में सीटीसी और पारंपरिक चाय होती है। सीटीसी यानी कटरनकल, ये व्यापक मात्रा में चाय की पत्तियाँ बनाए जाने की प्रक्रिया है। दूसरा है चीनी या हरी चाय। पूर्व में लोकप्रिय इस प्रकार की चाय पत्तियों का किण्वन नहीं कराया जाता। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी का एक प्रकार है गन पाउडर, क्योंकि पत्तियों को भी एक पैलेट के चारों लपेट जाता है जो गन पाउडर की याद दिलाता है। पत्तियों को धूप में सुखाते समय जब पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता तो पत्तियों का रंग हरा रहता है। इसे हरी चाय कहा जाता है। श्वेत चाय, ये दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है, जिसकी पौधे की कुछ विशेष पत्तियाँ चुनकर ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है, फिर इन्हें भुना जाता है, उसके बाद सूखा दिया जाता है। पकाए जाने के अंत में व्हाइट टी की पत्तियाँ खड़ी रहती हैं। दार्जिलिंग और असम में इसी प्रकार की चाय उगाई जाती है। उलुंग चाय, काली व हरी चाय को मिलाकर उलुंग चाय बनाते हैं। ये ताइवान में होती है, सेमी ऑक्सीडाइज या फर्मेंटेड होती है, जिसमें काली हरी चाय के मिले जुले गुण भी होते हैं, इसलिए इन्हें उलांग चाय कहा जाता है। चाय उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें पहला है टेम्परेचर, तापमान। चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर है वर्षा, उच्च तापमान और तीव्र वर्षा वाले क्षेत्र में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। धरातल, चाय के लिए धरातल ढालयुक्त होना चाहिए, क्योंकि पानी के रुकने से चाय की जड़ें गलने लगती हैं। मिट्टी, चाय उत्पादन हेतु अधिक ह्यूमस युक्त उपजाऊ आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयोगी है। दोमट व चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने और डिब्बों बंद करने के लिए सभी क्रियाएँ श्रमिक द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। छाया, तीव्र सूर्यताप और पवनों के बचाव के लिए छाया आवश्यक होती है। चाय का विश्व में उत्पादन, चाय उत्पादन का लगभग 71% भाग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में होता है। पूर्व सोवियत संघ और अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी भाग में भी चाय का उत्पादन किया जाता है।
विश्व भर में अगर चाय के उत्पादन की बात की जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत में चाय का उत्पादन उन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है जहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा और पहाड़ी क्षेत्र है। चाय के लिए सिंचित भूमि जिसमें पोटाश, लौह तत्व, जैविक तत्वों की प्रधानता है वह आवश्यक है। इसमें भी अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि निरंतर देखभाल, पत्तियों को चुनना और झाड़ियों की निरंतर कटाई सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। दो प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है, पहला है बोहिता, दूसरा है अश्मी चाय। भारत में कुछ स्थान केवल चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है जिसमें शिव सागर, कचार, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, कुछ बिहार, पूर्णिया, तमिलनाडु की अनामलाई, नीलगिरी जैसे क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला और उत्तराखंड का देहरादून, अल्मोड़ा भी चाय हेतु प्रसिद्ध हैं। बात करें चाय के उत्पादन के प्रथम स्थान की तो चाइना का आज विश्व भर में प्रथम स्थान है क्योंकि इसका उत्पादित चाय का अधिकांश भाग चीन में ही उपयोग हो जाता है। बहुत कम मात्रा शंघाई बंदरगाह के द्वारा विश्व भर में निर्यात की जाती है। चीन के चाय उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यांगटी सिक्यांग नदी है, उसकी निचली घाटी जेचुआ बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, फुकिन क्षेत्र की उपजाऊ लाल मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वह प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा श्रीलंका का विश्व भर में चाय उत्पादन में तीसरा स्थान है और चाय के निर्यात में दूसरा स्थान है। कुल विश्व में चाय उत्पादन का लगभग 9% भाग श्रीलंका उत्पादन करती है। ये इस मैप में भारत के जो प्रमुख चाय उत्पादक भाग हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। देखो दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, त्रिवेणकोर ये प्रमुख चाय उत्पादक भारत के क्षेत्र हैं। फिर कीनिया विश्व उत्पादन में कुल 8.8% भाग कीनिया रखता है, चौथा स्थान है। तुर्की का स्थान उत्पादन दृष्टि से पांचवा है और विश्व के कुल उत्पादन की 4.4% चाय का उत्पादन तुर्की करता है। इंडोनेशिया का विश्व में चाय उत्पादन करने में छठा स्थान है और विश्व के कुल चाय उत्पादन का 5.6% भाग यहाँ उत्पादित होता है। जापान विश्व में कुल उत्पादित चाय का 3.1% भाग जापान उत्पादन करता है। जापान में पहाड़ी ढालों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में तो ईरान की एलबुर्ज पर्वत के ढाल पर जो कश्मीर सागर के दक्षिण में है वह है। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश का सिलहट जिला भी चाय उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है जो कि लगभग प्रतिवर्ष 50,000 टन चाय का उत्पादन करता है। आज के पेय पदार्थ में इतना ही। धन्यवाद।